हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो कि है पावर शेयरिंग। ठीक है, आप लोग अपने अपने बुक ओपन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और हाइलाइटर लेकर बैठिएगा, जो भी वर्ड या फिर पेन लेकर बैठिएगा, जो मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेने के लिए वो हाईलाइट कर लीजिएगा और जो लिखवाऊँगा उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर के ओवरव्यू से। तो विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ वन ऑर्गन, एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, लास्ट ईयर में मतलब नाइन्थ में जब तुम लोग थे तब डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा बहुत तुमने जाना था कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है और डेमोक्रेसी में पावर किसी एक के पास है या डिवाइडेड है, यानी कि पावर लोगों में शेयर्ड है। ये पिछले नाइन्थ क्लास में देखा था हमने। तो उसमें देखा था कि पावर अगर एक हाथ में रहेगा, मतलब किसी एक बॉडी में रहेगा, गवर्नमेंट या किसी एक बॉडी के पास रहेगा, किसी एक ऑर्गन के पास रहेगा, तब क्या सीन होगा, और पावर शेयर्ड होगा तब क्या सीन होगा। ठीक है ना, तो एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी अगर कहीं भी है, अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर पावर को डिवाइड होना मस्ट है। अगर कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पर पावर किसी एक के पास रहेगा। लाइक देखो, राजा महाराजा होते थे पहले, है ना, तो राजा महाराजा के पास ही सारा पावर होता था, बाकी किसी के पास पावर नहीं होता था। तो वो जो भी अपने मन का करना चाहते थे वो करते थे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट बटा हुआ है, पावर बटा हुआ है गवर्नमेंट। पावर प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, चीफ मिनिस्टर के पास भी है, पुलिस के पास भी है, पार्लियामेंट के पास भी है, फिर जजेस के पास भी है, सभी के पास पावर है कुछ ना कुछ, है ना। तो सब एक दूसरे के काम को चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट जो पावर में नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के पास मेन पावर होती है, लेकिन जो अपोजिशन में है, उसके अपोजिशन में जो लोग रहते हैं उनके पास भी पावर है कि वो गवर्नमेंट के काम को देख रेख करें, अगर उसके काम में कुछ गलत रहेगा तो वो आवाज़ उठा सकते हैं। समझ में आया? तो डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम चलता है, समझे। मतलब चेक एंड बैलेंस कहने का मतलब एक दूसरे के काम को हर एक ऑर्गन चेक करता रहता है। ठीक है, तो पावर शेयर करना मस्ट है अलग अलग ऑर्गन्स में गवर्नमेंट के, क्योंकि अगर पावर शेयर नहीं होगा, किसी एक ऑर्गन के पास पावर होगा तो वो सारा का सारा वो ऑटोनोमस रूल करेगा, मतलब वो अपना जितना मन चाहे जो करना चाहे वो करेगा। लेकिन पावर शेयर्ड रहेगा तो वो अगर कुछ करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा अगले को जो उसको और जो उसको चेक कर रहा है। ठीक है, अदर ऑर्गन जो उसको चेक कर रहा है उसको जवाब देना पड़ेगा। लाइक देखो, जितने भी मिनिस्टर हो चाहे कुछ भी काम करें, उनको पार्लियामेंट में जवाब देना है, प्राइम मिनिस्टर को भी पार्लियामेंट में जवाब देना है, है ना। जितने मिनिस्टर उनको पार्लियामेंट में जवाब देना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मिनिस्टर के पास पावर तो है लेकिन वो अपने मन से काम नहीं कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं जवाब देना है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी अपने मन का काम नहीं करे, मतलब मन माना काम जो वो चाहे करना वो, ठीक है, वो ना करे, इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो पावर शेयरिंग तीन बॉडी में होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव से समझते हैं, लेजिस्लेटिव होता है जो लॉ बनाता है, कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव होता है जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाता है हर जगह। एक कानून बनाने वाला हो गया, जुडिशरी उस कानून को चेक करेगा, उस लॉ को चेक करेगा, और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो तीन हो गया तुम्हारा, पावर किसके किसके में शेयर होना चाहिए, पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मेक लॉज, ये कानून बनाएगा, ये चेक लॉज, ये चेक करेगा लॉज को, और ये इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, पारित करेगा, इंप्लीमेंट करेगा कानून को, पारित करेगा। ठीक है ना, तो पावर जो है, अगर हमको अच्छे से पावर करना है शेयर, तो हम तीन बॉडी में पावर शेयर करेंगे। ये तीनों बॉडी गवर्नमेंटल बॉडी होती है, तो तीन गवर्नमेंटल बॉडी में हम शेयर कर देंगे पावर को।
एक जो कानून बनाएगा, दूसरा जो उस कानून को चेक करेगा, और तीसरा उस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा हर जगह, ठीक है, करवाएगा। तो आगे क्या कह रहा है, तो इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। आज इसमें और आगे के दो चैप्टर में पावर शेयरिंग पूरा पढ़ते रहेंगे, पूरा कैसे कैसे पावर शेयरिंग हो रहा है, किन किन लोगों के बीच में हो रहा है, क्या क्या फॉर्म्स है पावर शेयरिंग का, क्या इसका ड्रॉबैक है, क्या इससे बेनिफिट है, ठीक है ना। वी स्टार्ट विथ टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। अभी जो दोनों स्टोरीज पढ़ेंगे हम लोग आगे, बेल्जियम का और श्रीलंका का, ठीक है ना, वहां पर देखेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंडर में पावर शेयरिंग कैसे हो रहा है, कैसे डेमोक्रेसी कंफ्लिक्ट रिसॉल्व करता है, वो देखेंगे इन दोनों स्टोरीज में। द स्टोरीज एड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी। उसमें उस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते हमको ये भी पता चलेगा कि क्या नीड है, डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है पावर शेयरिंग में, बिना डेमोक्रेसी के पावर शेयरिंग क्यों नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. चलो स्टार्ट करते हैं बेल्जियम की कहानी, बेल्जियम और श्रीलंका। तो देखो बेल्जियम, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉल इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बहुत छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, ठीक है, मतलब हरियाणा हमारा स्टेट है, उस स्टेट से भी छोटा कंट्री है बेल्जियम। कहाँ है, तो यूरोप में है बेल्जियम। कहाँ है, यूरोप में। कहाँ है बेल्जियम, यूरोप में, ठीक है, याद रखना बेल्जियम यूरोप में। ऐसे स्टोरी तो कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, मेन क्या कह रहा है उसमें वो याद रखना, लेकिन ये ऐसे जनरल नॉलेज की बात है तो इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। बेल्जियम कहाँ, यूरोप में। और इसका जो पॉपुलेशन भी है ना, वो भी हरियाणा से कम है, इसका पॉपुलेशन भी हरियाणा से कम है, और एरिया भी हरियाणा से कम, यानी कि स्टेट से भी छोटा है, एक देश होकर स्टेट से भी छोटा है, ठीक है। इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और इसके जो बॉर्डर्स है ना, तो चारों तरफ चार अदर कंट्री है, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग। पॉपुलेशन जैसा मैंने बताया कि हरियाणा से भी कम है, इसका लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। अब देखो क्या है केस पूरा, इथनिक कंपोजिशन समझो, इथनिक कहने का क्या मतलब है, एक कोई बड़ा डोमिनेंट ग्रुप हो गया, ठीक है, कोई बड़ा डोमिनेंट ग्रुप हो गया एक जगह पर, उसमें कुछ कुछ सब ग्रुप्स होते हैं जिनका सारे का कॉमन आइडेंटिटी होता है, लेकिन वो डिवाइडेड है किसी ना किसी तरीके। लाइक मान लो कि सारा लोग किसी एक रिलीजन को बिलोंग करता है, लेकिन उन सब का जो ट्रेडिशन है, जो वो लोग प्रैक्टिस करते आ रहा है, उनका एंसेस्टर जो करते आ रहा है, वो करने का वे अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ लोग लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग होते हैं, कुछ लोग रेस के बेसिस पर अलग अलग होते हैं, मतलब कलर, स्किन कलर के बेसिस पर अलग अलग होते हैं, कुछ लोग होंगे जो अलग ट्रेडिशन को मानेंगे, अलग कल्चर को मानेंगे, ठीक है। और तुम्हारे बुक में भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंग टू द सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंडेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चरल और बोथ, दे डिड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। भले उनमें एक रिलीजन ना हो, भले उनकी नेशनलिटी एक नहीं हो, जरूरी नहीं है इथनिक कहलाने के लिए, इथनिक कहलाने के लिए जरूरी है कि उनका फिजिकल और उनका कल्चरल कैसा है, क्या उनका फिजिकल एक जैसा है या उनका फिजिकल अलग अलग है, उनका कल्चर एक जैसा है या अलग अलग है। तो एक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, हो सकता है कि हर एक का ट्रेडिशन अलग अलग हो, तो यानी कि इन सोशल ग्रुप्स का कल्चर क्या हो गया, एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, यानी कि ये हो गया इनका इथनिक कंपोजिशन, ठीक है, एक जैसा वाले का, अलग अलग वालों का, इन सभी को मिलाकर क्या हो गया, इथनिक कंपोजिशन।
तो जो इतनी कंपोजिशन था ना बेल्जियम में, काफी कॉम्प्लेक्स था, इसमें डच लोग भी थे, इसमें फ्रेंच स्पीकिंग भी थे, इसमें जर्मन स्पीकिंग भी थे, सारे लोग मिले जुले थे स्पीकर, ठीक है, यानी कि सबका कल्चरल क्या है, सबका कल्चरल डिफरेंट है, सबका लैंग्वेज डिफरेंट है। तो देखो कंट्री में टोटल क्या है, जो तुम्हारा कंट्री है बेल्जियम, बेल्जियम में तुम्हारा 59% और 40% पे डिवाइडेड है। जो 59% लोग बोलते हैं डच वाले, जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम में 59% डच बोलने वाले हैं और 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं, और बचा जो 1% वो जर्मन बोलने वाले लोग हैं। देखो 59% डच बोलेंगे, 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मन बोलते हैं। डोमिनेंसी किसका हुआ, डच का। माइनॉरिटी में कौन है, जर्मन। लेकिन ब्रसेल्स देखो, ब्रसेल्स कैपिटल है बेल्जियम का, ठीक है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जैसे हमारी दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, वैसे ही ब्रसेल कैपिटल है बेल्जियम का। तो ब्रसेल्स में क्या है कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और जो 20% बचे, 20% वो डच बोलते हैं, समझे। देखो कंट्री में मेजोरिटी है, कंट्री में मेजोरिटी है डच का, कंट्री में डच का क्या है, मेजोरिटी है ना। लेकिन कैपिटल में क्या है, कैपिटल में माइनॉरिटी है, कंट्री में मेजोरिटी है डच बोलने वाले लोगों का 59%, लेकिन कैपिटल में क्या है, मात्र 20% माइनॉरिटी है। और कंट्री में जिसका माइनॉरिटी है उसका सिटी में या कैपिटल में मेजोरिटी है, मतलब समझ में आ रहा है, एक जगह पर्टिकुलर लोग ज्यादा है तो वहीं एक जगह पर्टिकुलर लोग कम है, तो ऐसे में क्या होगा, ये यहाँ डोमिनेंस चाहेगा और ये यहाँ, यानी कि डच कंट्री में डोमिनेंस चाहेगा और फ्रांस ब्रसेल्स में, समझे। तो कंफ्लिक्ट ऐसे होगा कि अब इसका कंट्री पर रहेगा रूल, कंट्री पर रूल रहेगा तो ये जो चाहे वो कर सकता है, यानी कि ये बेनिफिट किसको देगा, कैपिटल वाले को, कैपिटल में जो डच रह रहे हैं उनको, इनको तो नहीं देगा, फ्रेंच को, अपने अपने कम्युनिटी वाले को देगा, ठीक है ना। तो लेकिन इनका कैपिटल में ज्यादा है पॉपुलेशन, तो ये झगड़ा करेंगे कि हमारा पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है तो हमको ज्यादा सपोर्ट करो, हमको वैल्यू दो, लेकिन ये तो अपने भाई बंधु को देगा वैल्यू, तो ऐसे में कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में कैसे पावर शेयरिंग होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, दिस वॉज रिसेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब क्या हो गया तो देखो क्या है कि जो ये जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं ना, यानी कि फ्रेंच, फ्रेंच है काफी रिच और ये है काफी पुअर, यानी कि जो इनके पास बेनिफिट है इनके पास नहीं है, गरीब है तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, अमीर है तो ज्यादा पैसे के दम, पैसे से तो हर कुछ खरीदा जा सकता है, तो पैसे के दम पे ये लोग ज्यादा कुछ बेनिफिट पा सकते हैं, लेकिन ये लोग कम पा सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी इनकी है तो ये लोग प्रेशर भी बना सकते हैं, समझ में आया। इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा नहीं है, तो ये लोग इससे जलन करेगा ना कि माइनॉरिटी में होते हुए भी, कंट्री में तो इनका माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में होते हुए भी इन लोग को ज्यादा फैसिलिटी है और मेजोरिटी में होते हुए भी इन लोग को कम फैसिलिटी है, इस वजह से दोनों के बीच टेंशन हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, ठीक है। तो This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during 1950s and 1960s. और यही जो वजह था, यही कारण था कि 1950 और 1960 के टाइम पर दोनों कम्युनिटीज में झगड़ा शुरू हो गया। The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. अब देखो क्या है, कंट्री से ज्यादा कैपिटल में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कहते ना कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, तो कंट्री से ज्यादा कैपिटल में लोग उत्सुक थे, मतलब एक दूसरे के खिलाफ कुछ ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, एग्रेसिव, एग्रेसिव थे, गुस्सा में थे,
क्योंकि इन लोगों का कहना था फ्रेंच वाले का कि तुम यहाँ माइनॉरिटी में हो तो हमसे हमारे अंडर में रहो, हमारे अंडर में काम करो, लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम भले यहाँ माइनॉरिटी में है लेकिन हम कंट्री में तो मेजोरिटी में है, तो हम क्यों किसी के अंडर में रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ, एक दूसरे पर अपना कंट्रोल करने का मेन मकसद था, इसी की वजह से यहाँ पर कंफ्लिक्ट हो रहा था। ठीक है, तो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन द कंट्री। अब बेल्जियम का समझ में आया क्यों झगड़ा हो रहा था, अब श्रीलंका का देखो क्यों झगड़ा होगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब देखो क्या है, श्रीलंका कहाँ है सब लोग जानते हो, ये जो टेपर करता है इंडिया यहाँ पर है नीचे में, तो टेपर के एकदम लास्ट में है श्रीलंका, चारों तरफ से पानी है तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, आइलैंड नेशन बोल दिए, और ये हमारे इंडिया के मात्र कुछ किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसका जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, 2 करोड़ हरियाणा के इतना। देखो हरियाणा से कंपेयर किया जा रहा है, हरियाणा के बराबर ही है इसलिए हरियाणा से कंपेयर किया जा रहा है, दोनों सिचुएशन में हरियाणा से कंपेयर किया गया ताकि स्टोरी को कनेक्ट किया जा सके। हमारे इंडिया में, हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो कंपेयर करने के लिए कंपेयर किया जा सके डेमोक्रेसी को। ठीक है, इसलिए हरियाणा का बराबर कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो चलो आगे देखते हैं श्रीलंका क्या केस है। तो जैसे बेल्जियम में था ना डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वैसे ही तुम्हारा श्रीलंका में भी है डाइवर्स ग्रुप। लाइक देखो श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स है और तमिल स्पीकर्स है। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री श्रीलंकन तमिल, द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया इंडियन तमिल। अब देखो क्या है, श्रीलंका है, श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज है। ठीक है, श्रीलंका में कितना कम्युनिटीज है, 2 कम्युनिटीज। एक है तुम्हारा सिन्हाला, सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला तमिल, और एक है तुम्हारा सिन्हाला स्पीकर और एक है तुम्हारा तमिल स्पीकर, यानी कि एक सिन्हाला लैंग्वेज बोलता है और एक तमिल लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, सिन्हाला स्पीकर और तमिल वाला। अब देखो तमिल में भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है तुम्हारा, एक इंडियन तमिल और एक श्रीलंकन तमिल, एक श्रीलंकन यानी कि श्रीलंका वाला ही, और एक इंडियन, इंडियन मतलब जिनके फोर फादर को ले गया होगा कुछ काम से, खुद अपने मन से चले गए होंगे वहां श्रीलंका में काम करने के लिए, या मजदूर बनाकर गुलाम बनाकर ले गया होगा पहले के टाइम पर लोग। तो ये लोग ऐसे पावर डिवाइड, ऐसे वहां का कम्युनिटीज है, एक सिन्हाला बोलने वाला, एक तमिल बोलने वाला, तमिल में भी डाइवर्सिटी है श्रीलंकन और इंडियन में। ठीक है, ये है टोटल सिन्हाला बोलने वाले जो लोग हैं वो है टोटल 74%, और जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो है 18%। सिन्हाला बोलने वाले 74%, तमिल बोलने वाले 18%, तमिल में भी 2 पार्ट, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। तो देखो इतना समझ में आया, श्रीलंका में सिन्हाला है, तमिल है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले तमिल लैंग्वेज बोलने वाले, तमिल लैंग्वेज में बोलने वाले 2 पार्ट में लोग हैं, एक श्रीलंका वाले हैं जो तमिल बोलते हैं, और एक इंडिया से गए हुए इंडिया के गए हुए लोग हैं जो तमिल बोलते हैं। ठीक है, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। अब देखो क्या है कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। अब देखो क्या बोल रहा है, एक केस और हो गया कि जो सिन्हाला है ना वो बुद्धिस्ट है, जो सिन्हाला है वो बुद्धिस्ट है, रिलीजन यानी कि समझो इनका बुद्धिज्म है, और ये जो तमिल बोलने वाले हैं ये हिंदू है और मुस्लिम है। ठीक है, और एक और यहाँ पर धर्म है, एक और रिलीजन है जो दोनों में है,
सिन्हाला में भी वो रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, तमिल में भी मानने वाले लोग हैं, वो है क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म मानने वाले दोनों में है, समझ में आया। तो देखो इधर बुद्धिस्ट है, इधर हिंदू मुस्लिम है मेजोरिटी, और क्रिश्चियन जो दोनों बोलते हैं, तो मेजोरिटी इसमें किनकी है, सिन्हाला वाले की, यानी कि बुद्धिस्ट की। तो वो चाहे तो अपना मेजोरिटी, अपना डोमिनेंस जमा सकते हैं कंट्री के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, कि भाई हम मेजोरिटी में, हम पावरफुल है, तो हम ज्यादा तुम लोग पर हम डोमिनेंस करेंगे तमिल लोगों पर, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें देखा बेल्जियम में जो डच लोग थे वो लोग चाहते थे अपना डोमिनेंस, लेकिन फ्रेंच लोग ज्यादा पावरफुल थे, अमीर थे, तो वो लोग अपना डोमिनेंस चाहते थे। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका सिन्हाला वाले जो है ये मेजोरिटी में है, ये चाहते हैं अपना डोमिनेंस। तो देखो ऐसे में क्या होगा, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। तो ऐसे में क्या होगा, बेल्जियम में क्या हुआ था, डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स नंबरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मनी स्पीकिंग पॉपुलेशन। डच बेल्जियम में क्या हुआ था, डच ज्यादा था, 59% था, तो डच चाहता था कि हम फ्रेंच बोलने वाले लोग पर, जर्मन बोलने वाले लोग पर अपना मर्जी चला सके, जो हम चाहें वो उनसे करवा सके, अपना मन चला सके, ठीक है। तो इसके वजह से दोनों साइड में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, फ्रेंच बोलने वाले में, डच बोलने वाले में, जर्मन बोलने वाले में, डच बोलने वाले में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब श्रीलंका में क्या हुआ, द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। बेल्जियम में तो सिर्फ कंट्री में डच की मेजोरिटी थी, कैपिटल में नहीं थी, लेकिन सिन्हाला में ओवरऑल यानी कि पूरे कंट्री में मेजोरिटी किसकी है, श्रीलंका में सिन्हाला लोग की है, सिन्हाला स्पीकर्स की। तो सोचो यहाँ तो ये लोग डायरेक्ट अपना मेजोरिटी कर सकता है, तो क्या मेजोरिटी होगा या नहीं होगा, कैसे पावर शेयरिंग होगा, कैसे कंफ्लिक्ट खत्म होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मेजोरिटीरिज्म इन श्रीलंका, ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जितनी स्टोरी समझ में आया उतना समझ में आया, डेमोक्रेसी क्या है, क्यों पावर शेयरिंग करना जरूरी है, बता दिए पहले में ही स्टार्टिंग में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लो बैक करके, या फिर कमेंट कर देना, फिर से मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और स्टोरी क्या थी बेल्जियम में, कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोग ज्यादा थे लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग लोग कम थे और पावरफुल थे, तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग पावरफुल थे, वो लोग अपना डोमिनेंस चाहते थे, और डच स्पीकिंग सिर्फ कंट्री में मेजोरिटी में थे तो वो लोग अपना डोमिनेंस चाहते थे, इस वजह से वहां पर कंफ्लिक्ट हो रहा था। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में दो स्पीकर, दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग, एक सिन्हाला लैंग्वेज, एक तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो सिन्हाला मेजोरिटी में पूरे जगह है, तो वो अपनी मेजोरिटी के बेसिस पर अपना डोमिनेंस हर जगह जमा सकता है, ठीक है। तो होप वीडियो समझ में आया हो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप लोग आगे, और इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको, ठीक है।